सियासत में शोक बड़ी चीज है। भले ही नेताओं को मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की फिक्र ना हो, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए वो शोक जताने से भला कैसे चूक सकते हैं। ये नेता गांव-गांव जाकर पीड़ित बच्चों के परिवारों की मदद कर सकते थे, लेकिन तब शायद पब्लिसिटी ना मिलती। और यही वजह है कि मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत पर शोक जताने वाले नेताओं का आना जारी है। परिवार के साथ खड़ा है, हम लोग 50,000 के सामान लेकर आए हैं कि बच्चे को दे, और कोई लेने को तैयार नहीं है। यही दुर्दशा है। तो नहीं मैडम, हॉस्पिटल का मैटर अभी भी बहुत प्लीज आप आ रहे हैं किसी का दर्द सर वी अंडरस्टैंड सर प्लीज। बिहार में चमकी बुखार ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए, न जाने कितनी माने अपने लाल खो दिए। जिनकी किलकारियों से घर कभी खुशियों से भर गया था, उन्हीं जिगर के टुकड़ों को ये माँ बाप अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देखते रहे। सरकारी आंकड़ा भले ही अब तक 148 बच्चों की मौत का जिक्र कर रहा है, जिनमें से 130 बच्चों की मौत अकेले मुजफ्फरपुर में हुई है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने अस्पताल आने से पहले ही दम तोड़ दिया? उन बच्चों का क्या जिनके लिए अस्पताल पहुंचना मुमकिन ही नहीं था? या उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप नीम हकीमों से इलाज या ओझाओं से झाड़ फूंक के चक्कर में रह गए और बच्चों की मौत होती रही? वहाँ PSC गांव, गांव में कितने लोग मरे कोई कैलकुलेट किया है? जो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया, घर ही मर गया। अस्पताल में ना पहुंचता है तो करीब 250 के करीब बच्चे मरे हैं, आप उनके परिवार भी लख रहे हैं। हाँ, गांव में कितने लोग भी लख रहे हैं, मर गए वहाँ, क्वेक देख लिया है कहीं ओझा झाड़ते झाड़ते मर गया। वो ओझा भगत से भी गांव का गरीब आदमी, कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो ओझे कन चला जा रहा है भगत। जिन नेताओं को गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी थी, जिन नेताओं को गांव में मदद पहुंचानी चाहिए थी और ये इंतजाम करना चाहिए था कि बीमार बच्चे एम्बुलेंस के जरिए या गाड़ियों के जरिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं, वो अब अपनी सियासत चमकाने के लिए मुजफ्फरपुर के बड़े सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। वोट के भूखे इन नेताओं को न मासूमों की मौत की परवाह है, न चमकी की चपेट में आए मासूमों के घर वालों से कोई सहानुभूति। इन्हें तो बस अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। शनिवार को बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने तमाम समर्थकों का हुजूम लेकर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए। जरा देखिए इनके समर्थकों ने अस्पताल में दाखिल होने के लिए कितना हंगामा खड़ा कर दिया। आप लोग मुश्किल हो रही है यहाँ पर, मजिस्ट्रेट को और जो पुलिस है यहाँ। जहाँ अब भी ICU में चमकी बुखार के 40 से ज्यादा बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। काफी हंगामा भी हो रहा है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मीडिया से ही उलझ गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग हैं उनको जाने से भी जाया जा रहा है। मदन मोहन झा अंदर घुस गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और एक बड़े नेता भी। आप लोग मुश्किल हो रही है यहाँ पर, मजिस्ट्रेट को और जो पुलिस है यहाँ। हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं, हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं। हमारी ड्यूटी लगी है, किसके लिए लगी है? विधि व्यवस्था नहीं मेंटेन कीजिएगा, हॉस्पिटल का मैटर है, विधि व्यवस्था नहीं कीजिएगा प्लीज। आप आ रहे हैं किसी का दर्द सर। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जैसे नेता मरीज, डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि अस्पताल के बाहर तैनात मजिस्ट्रेट को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं, हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं। हमारी ड्यूटी लगी है, किसके लिए लगी है? विधि व्यवस्था नहीं मेंटेन कीजिएगा, हॉस्पिटल का मैटर है, विधि व्यवस्था नहीं कीजिएगा प्लीज। आप आ रहे हैं किसी का दर्द सर वी अंडरस्टैंड सर प्लीज। हमने आप लोगों को जितना कोऑपरेट किया है ना, कोई नहीं किया प्लीज। मुजफ्फरपुर का ये अस्पताल अब मासूमों की मौत पर सियासी रोटियां सेकने का जरिया बन गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मुजफ्फरपुर नागरिक संघर्ष मोर्चा हाथों में बैनर लिए खड़ा है, तो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे अजीत कुमार राहत सामग्री लेकर पहुंचे। जबरदस्त सियासी नाटक हुआ।
जैसे हमारा ये कहना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लेकर बांट दीजिए, आप ये रिसीव कर लीजिए, इसका जांच करा लीजिए, चूंकि हम बच्चों के लिए लाए हैं, उसके अभिभावक के लिए लाए, और उसके बाद अगर प्रॉपर समझिए तो उसको दीजिए, अदरवाइज प्रॉपर नहीं है तो उसको तो उसको रेड क्रॉस वाले को भेजवा दिया जाए, क्योंकि कोई ना कोई आ जाए, सोचो हम लोग कितना देर ये घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ करते। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण अस्पताल में मासूमों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं का तांता लगा है, इससे अस्पताल प्रशासन सासंत में है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार हों या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इनके 10 दिन बाद 12 दिन बाद पहुँचने को लेकर खूब बवाल मचा, लेकिन बात इस बार देरी से पहुँचने की नहीं है। दरअसल AES यानी चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले इसी साल नहीं हुए हैं, बीते 15 साल से मासूमों पर हर साल ऐसा ही कहर टूटता रहा है। पिछले साल भी डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, रिसर्च और बच्चों के अलग ICU बनाने की बात हुई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तक ये पता नहीं चला कि इस बीमारी की वजह क्या है, और अब दिखावे के लिए सत्ता में बैठे मंत्री और सत्ता से बाहर नेता सियासत में शोक जताने पहुंच रहे हैं। शोध के लिए लेबोरेटरी खुलेगी, नहीं खुली, पता नहीं चला बीमारी का क्या है। 100 बेड का PICU बनेगा, हर्षवर्धन बोल गए थे 5 वर्ष पहले, फिर वो आ गए, कुछ नहीं हुआ। अब डॉक्टर में वृद्धि नहीं हुई, वहाँ इलाज का व्यवस्था नहीं है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिना डॉक्टर के है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहें भी तो क्या कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने वाली भी जान लें कि जब केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार बच्चों की बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकी तो PM मोदी भी बोले तो क्या बोले। लेकिन जनता में गुस्सा है, जनता पूछ रही है कि चुनाव में वोट लेने के बाद प्रधानमंत्री सैकड़ों मासूमों की मौत पर आज चुप क्यों है। उनको 90% बहुमत दिए हैं, लेकिन आज मुजफ्फरपुर की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि 200 मौत के बाद भी नहीं जग रही है और लाशों का अंबार लगा हुआ है। सैकड़ों माओं अपने अपना लाल खो दिया है, लेकिन आज भी मेडिकल की सुविधा दुरुस्त नहीं हुई है, और का मांग है मोदी जी से, आप लोगों ने वोट लिया था। सत्ताधारियों के अलावा सवाल विपक्ष पर भी उठ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव। मुजफ्फरपुर में उनके लापता होने के पोस्टर लग गए, इधर पटना में RJD के छात्र इकाई ने RJD दफ्तर से राजभवन तक मार्च निकाला और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। कुमार चुप्पी, नीतीश कुमार शरम कराओ, शरम कराओ। पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोका तो हल्की नोकझोंक भी हुई। कहा जा रहा था कि इस पैदल मार्च में तेज प्रताप यादव शामिल होंगे, लेकिन तेज प्रताप ने इस मार्च में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। फिर ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद की जाए कि वो इन रोती बिलखती माओं के लिए सरकार से इंसाफ मांगेंगे और उससे पूछेंगे कि बिहार में आखिर कब तक मरते रहेंगे बच्चे। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।